लखनऊ में किशोरी का अपहरण कर गैंगरेप। 12 वर्षीय 5वीं की छात्रा ने 4 लोगों पर लगाया गैंगरेप का आरोप। घर से 1 किलोमीटर दूर जंगल में किशोरी को जबरन उठाकर किया शारीरिक शोषण। कई घंटों बाद घर से कुछ ही दूरी पर मिली बेसुध किशोरी। इस्माइल नाम का शख्स किशोरी से निकाह करने का बना रहा था दबाव। पीड़िता की माँ किशोरी पर निकाह कर उसे हैदराबाद ले जाने की जिद पर अड़ा था। इस्माइल अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर बार बार चक्कर लगाकर दो उठा ले जाने की धमकी देता रहा। पीड़ित की मां ने इस्माइल जावेद उर्फ चांद बाबू व अन्य दो के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। IPC की धारा 363, 366, 376, 506 व 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की है। दिनांक 13 नवंबर को थाना चिन्हट की रहने वाली एक महिला ने थाने पर आकर यह तहरीर दी कि उनकी नाबालिग बेटी को दिनांक 9 नवंबर को दो व्यक्ति इस्माइल और जावेद उर्फ चांद बाबू अपने साथ भगा कर ले गए थे और उसके बाद जंगल में ले जा कर के उनके और उनके दो अन्य साथियों के द्वारा उनकी लड़की के साथ में रेप किया गया। लड़की 11 तारीख को वापस आ गई। उनकी इस तहरीर के आधार पर तुरंत ही अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई। उसमें अभियुक्त इस्माइल और चांद बाबू की गिरफ्तारी कर उनको जेल भेजा जा चुका है। लड़की के 164 के बयान हो गए हैं। लड़की ने अपने 164 के बयान में बताया कि उसको इस्माइल उसके स्कूल के सामने बिल्डिंग का काम करता था, वही उसको ले गया था। बाद में जंगल में उसका दोस्त जावेद भी आ गया और इन दोनों ने उसके साथ गलत हरकत की। इस आधार पर इसमें पूरे अभियोग में दो ही वांछित अभियुक्त थे जिनको पूर्व में ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। इसमें अन्य सभी कार्रवाई पूर्ण हो गई हैं। शीघ्र ही इसमें चार्जशीट लगा करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।